ना मेरे भाई और मेरे शौहर को कर्जी फंसाया गया, वो लोग इस केस में नहीं थे, और बार बार पुलिस उन्हीं लोगों का नाम ले रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को, और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। क्या लग रहा है, अपने मायके वालों की तरफ से बोल रही है या नहीं? अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है बरेली में, बरेली में रहता था वो, देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है, सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। क्या लगता किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है? तो मतलब क्या इसमें कि अतीक अहमद कहाँ थे, आपके पति कहाँ नहीं थे? किसी का हाथ नहीं, हम नहीं मालूम किसका हाथ है, हम क्या जाने। आप सिर्फ जी की बात कर रही हैं अशरफ जी की, कि मतलब जो पति आपके जो जेठ है उनका भी हाथ है या नहीं है? हम नहीं जानते सब किसका हाथ है किसका नहीं हाथ, लेकिन इलाहाबाद में जो भी कांड होता है वो इन लोगों के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। पूरी जिस तरीके की घटना है, क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? अशद को लेकर के कहा जा रहा है कि अशद इस पूरी घटना में है, आपको आपने देखा होगा वीडियो। असद तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें, इससे असद का तो बड़ा बड़ा बाल था, हमने जब देखा था बड़े बाल में ही देखा था। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ बार बार बस जोड़ा जा रहा है अशरफ को, बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? कहा ये जा रहा है कि साजिश उन्होंने जेल में ही रह करके जो सूचना, ये बिल्कुल गलत है, बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद में कांड हुआ और बरेली जेल से जोड़ दिया गया उनको। एक चीज ये बताएं, उनको प्रयागराज ना उनके पास फोन है, उनके पास कुछ भी नहीं, कैसे करेंगे वो? और कहा जा रहा है कि रिश्तेदार मिलने जा, रिश्तेदार तो जाएंगे ही मिलने। प्रयागराज लाने की जो बात हो रही है, तो आप लोगों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई कि यहाँ पर लाने में उनको खतरा है, किस तरह का खतरा आप लोगों को महसूस हो रहा है? जी न्यायालय का मामला जी जी वो न्यायालय का मामला है, वो कोर्ट क्या करेगी उस पर हम लोग राजी हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या चाहिए जी? कोई आशंका है किसी तरीके की आप लोगों को? मेरे पति को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल ट्रांसफर के बहाने कोई भी घटना कर सकती है जी। पूरे में उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ ने इस लोगों के साथ किया है और लोगों के साथ किया है। आपको लगता है कि जेल ट्रांसफर में कोई खतरा हो सकता है अशरफ को? नहीं, जेल ट्रांसफर में मतलब कुछ भी दिखा देंगे, मुठभेड़ कुछ भी। क्या उन लोगों ने कहा है? उन्होंने बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को, और वो लोग हमारे हमारे पति और जोड़ की हत्या कराना चाहती है जेल से बाहर जाने में। यूपी पुलिस जी, हमें ये करेली थाना ले गई थी, कितने दिन तक बैठाया था? हमें 4 दिन तक बैठाया था। क्या दिन कहाँ कहाँ रखा? पहले दूमनगंज थाना ले गई, फिर वहाँ करेली थाना। क्या पूछताछ की गई थी आपसे? योगी जी से क्या चाह रही हैं? अपने पति और अपने जेठ की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं हम लोग योगी जी से। जी, क्या कहीं अपील कर दीजिए, जो जो आप कहना चाहती हैं क्या कहना चाहती हैं बताइए। कि जेल से बाहर उनको न लाया जाए। कैसे सुनवाई हो फिर मामले की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? कैसे क्या जी, अब वो जेल में उनसे जाके जो भी पूछना उनसे पूछें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या तो सुनवाई हो? ठीक है, मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा, उन्हें जेल से बाहर ना निकाला जाए किसी तरह के पूछताछ। जो इन्वेस्टिगेशन भी करना हो दोनों भाइयों को, जेल के अंदर ही उनसे इन्वेस्टिगेशन ले लिया जाए, कर लिया जाए, पूछताछ कर लिया जाए, जेल से बाहर बिल्कुल ना निकाला जाए, उनकी जान का बहुत खतरा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करती हूँ की साजिश की बात की है बाजी, कौन मेयर इस वक्त जो मेयर है वो साजिश कर रही है, जिससे हमारी भाभी जो है इलेक्शन किसी तरह फाइट ना कर पाए, कि उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है।